so hello students in today's class we are continuing std part std also called sti also called vd also called rti <coughs> so many short forms so, what is yesterday? Sexually transmitted diseases, also called sexually transmitted infections. Sexually transmitted infections, also called VD, venereal diseases. Venereal diseases, also called RTA, reproductive tract infections. Reproductive tract infections. So.

So what is STD clear? The disease is spreading through sexual intercourse, and this divided into bacterial STD. Let's make the list. Bacterial STD. If what is bacterial STD? Number one, gonorrhea. What is happening? Gonorrhea. It is also uh, it is caused by the pathogen. इसेरिया गुनोरो नाइसेरिया पैथोजन याद रख के चलिए वॉट आर द दीडी कॉज बाई द बैक्टीरिया नंबर वन गुनोरो सेकेंड वन साइफिलिस साइफिलिस कॉज बाय ट्रिपोनिमा ट्रिपोनिमा पैलिडम एंड द थर्ड वन in case of bacterial std chlamydiasis chlamydiasis caused by chlamydia trachomatis chlamydia trachomatis name of the bacteria okay so these are the bacterial std now let's make the list of some of the viral viral std दिस इज ए स्प्रेडिंग यस सेक्शुअली ट्रांसमिट दिस इज एप्रेडिंग थ्रू वायरसिस नंबर वन इन दिस नंबर वन एड्स है एड्स तो एच आई वी से होगा है इट इज कॉज बाई एच बी वी हेपाटाइटिस बी वायरस वॉट इज अ फुल नेम हेपेटाइटिस बी वायरस हरपिस बल्कि एक आ रही है वायरल डिसीज इट इज कॉज बाय हरपीस सिंप्लेक्स वायरस एच एस वी फुल फॉर्म याद रखेंगे सबके व्हाट इज एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस ये तो पता है सबको लिखने की भी जरूरत नहीं है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस एच बी वी हेपेटाइटिस बी वायरस एच एस वी सिंप्लेक्स वायरस आई थिंक ये लिखना जरूरी है हरपिस सिंप्लेक्स वायरस ना वन मोर वायरल स्टडी में और एक आ रहा है देखिए जेनेटल वार्ड्स के, जेनेटल वार्ड्स जेनेटल वार्ड्स होगा पेपिलोमा वायरस से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जब हम एनसीआरटी पढ़ेंगे तो सारे डिजीजेस है ना एक पैराग्राफ में लिख दिया है पैथोजन का नाम नहीं दिया है ग्रुप नहीं किया है कौन से बैक्टीरिया के हैं कौन से वायरस के ये सब आप कर लेना है नेक्स्ट प्रोटोजोआ के एसटीडी कौन सी है वन ऑफ द प्रोटोजोआ विच कॉजे एसटीडी प्रोटोजोआन एस टी डी इज ट्राइकोमोनिया ट्राइकोमोनिया इज द ओनली डिसीज आउट ऑफ ऑल गीवन हियर ऐसे तो बहुत सारे डिसीज होंगे प्रोटोजोआ के बट वॉट इज द डिसीज स्प्रेडिंग थ्रो प्रोटोजोआ एंड इट इज एसोसिएटेड विथ सेक्शुअली ट्रांसमिट डिजीज तो आ रहा है ट्राइकोमोनियासिस कॉज बाय द प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास टेंट है हो सकता है क्वेश्चन यहीं पे यहीं से आ जाए पैथोजन पूछ ले या मैथ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछ लेके फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं नीट एग्जाम में ठीक है ना तो देखिए 2020 में थर्टीन क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वन थ्री थर्टीन क्वेश्चन है इससे पहले भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं द फॉलोइंग ओके तो आसान रहते हैं मैच द फॉलोइंग कुछ मुश्किल नहीं है याद रखना है पैथोजन ओके चलिए आगे बढ़ते हैं आउट ऑफ ऑल दीज एसटीडी वॉट अबाउट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इज देयर फॉर ऑल दस टी डी एक्सेप्ट थ्री एस टी डी थ्री एस टी डी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है कंप्लीट क्योर नहीं है नो no क्योर तो लिखेंगे यहां पर एड्स हेपेटाइटिस बी जेनेटल हर्पीस बोलेंगे या हर्पीस बोलेंगे ठीक है जेनेटल हर्पीस बोलो या ओके okay, थोड़ा सा स्ट्रक हो गया था देखिए आप लिख दिए होंगे लिस्ट कंप्लीट दीज आर द्री एस टी डी विच इज नॉट हैविंग एनी क्योर पढ़ लिया हम चलो आगे बढ़ेंगे नाउ व्हाट आर दी अर्ली सिम्टम्स एंड लेट सिम्टम्स ऑफ एस जैसे एस टी डी होगा तो कुछ साइंस होना ना कुछ सिम्टम्स चाहिए तो अर्ली सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं अर्ली सिम्टम्स ऑफ एस टी डी स्टार्टिंग में क्या होता है एड्स दीज या में क्या होता है अर्ली सिम्टम्स क्या है तो स्टार्टिंग में शुरू शुरू में क्या होगा जस्ट ईचिंग रहेगी इन जेनेटल एरिया स्वेलिंग रहेगी स्लाइट पेन स्लाइट पेन है फ्लूइड डिस्चार्ज है ठीक है दीज आर द अर्ली साइंस और अर्ली सिम्टम्स ऑफ सिम्टीडी ठीक है आगे अगर लेट कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें लेट कॉम्प्लिकेशंस मतलब डिसीज जब होने के बाद बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा लेट कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है इफ ट्रीटमेंट इज नॉट टेकन इफ एनी पर्सन डेवलप दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स सो इमीडिएटली दे हैव टू टेक द ट्रीटमेंट ठीक है अर्ली सिम्टम्स इन जेनेटल एरिया जेनेटल एरिया में है ये सिम्टम्स अब लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है देखिए लेट कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आ रही है पी आई डी वट इज मीन बाय पी आई डी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस दैट मींस द पेशेंट डेवलप्स रेडनेस स्वेलिंग बर्निंग सेंसेशन इन द जेनेटल एरिया पेल्विक पेल्विक मतलब लोअर अब्डोमिनल एरिया उस एरिया में इंफ्लामेशन होता है इंफ्लामेशन मतलब थ्री साइंस रेडनेस स्वेलिंग बर्निंग रेडनेस स्वेलिंग बर्निंग सेंसेशन दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज है ठीक है कैंसर भी हो सकता है देखिए कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कौन से भी कैंसर कहीं पर भी यूट्रस का कैंसर सर्विक्स का कैंसर कौन से भी पार्ट का कैंसर होता है कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अगर ट्रीटमेंट नहीं लिए तो ये कॉम्प्लिकेशन है लेट कॉम्प्लिकेशंस है और क्या हो रहा है देखिए स्टिल बर्थ स्टिल बर्थ का मतलब है डेड बेबीज डेड बेबीज बॉर्न होते हैं डेड बेबीज आर बॉर्न ओके और क्या हो सकता है यहां पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है ectopic pregnancy. What is ectopic pregnancy? In short, we can say what is ectopic pregnancy? Extra uterine pregnancy, extra uterine implantation बोल सकता हूँ मैं. अगर uterus छोड़के कहीं और area में, जैसे के fallopian tube में या कोई और area में जाकर implantation हो रहा है wrong place में.

अगर रॉन्ग प्लेस में इंप्लांटेशन हो गया यूट्रस में इंप्लांटेशन हो गया बदल फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांटेशन हो जाए दैट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठीक है ये देखिए लेट कॉम्प्लिकेशन है ये और इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी इनफर्टाइल हो जाएंगे एस टी डी वाले लोग ओके दीज आर ऑल अर्ली सिम्टम्स एंड लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एस टी डी ठीक है नेम दी डी नेम दी डी इन विच बेबीज बॉर्न फ्रॉम द इनफेक्टेड मदर आर ब्लाइंड गुनोरो बल्कि एक डिजीज है जहां पर अगर मदर इन्फेक्टेड है तो एट द टाइम ऑफ बेबी इज बर्थ द नाइसेरिया गुनोरो अटैक द आई पार्ट ऑफ द डेवलपिंग बेबी और At the time of birth, they attack the baby's eyes and causes permanent blindness. In Gunorohia, note karke likhna. In Gunorohiya, newborn babies, newborn babies can become blind, can become blind if mother is infected. अगर मदर इन्फेक्टेड है गुनोरोहिया से तो न्यू बॉर्न बेबी को ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो मतलब ये है देखिए कि एस में भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड बन सकता है एस के जो है दो टाइप के सिम्टम्स हैं अर्ली सिम्टम्स अलग हैं लेट सिम्टम्स अलग तो ध्यान से पढ़ना उसको एग्जाम में हो सकता है दोनों मिक्स करके पूछे अर्ली सिम्टम्स अलग हैं So, in a gonorrhoea, newborn babies can become blind if mother is infected. And uh, there are some STDs, there are some STDs which are also move from person to person through you know, sharing needles or transfusing infected blood. Okay. In some STDs, like पेटाइटिस बी एड्स इन्फेक्शंस मे ऑकर इन्फेक्शन में ऑकर ड्यू टू क्या क्या हो सकता है नंबर वन शेयरिंग नीडल्स शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स एक ही नीडल बार बार यूज करना कई पर्सन पर जैसे ड्रग अब्यूजर्स करते हैं या हो सकता है सर्जिकल यूजिंग और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटेड ऑन ऑपरेटेड ऑन इंफेक्टेड पर्सन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एड्स पेशेंट के बॉडी पे यूज किया गया और वही इंस्ट्रूमेंट कोई और पर्सन के बॉडी में यूज कर रहे हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तो हो सकता है चांसेस इंफेक्शन के वहां से भी सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज एड्स इंफेक्शन आकर ऑलवेज थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स बोलना गलत है ऑलवेज नहीं बोलना चाहिए ओके एड्स कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टेक्ट बट इट इज नॉट ऑलवेज इट ऑल्सो ऑकर वाई शेयरिंग नीडल्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या ट्रांसफ्यूजन ऑफ

जनरल रूट ऑफ इंफेक्शन ऑफ एस टी डी एंडिस बी एंड एड्स इट इज नॉट ऑलवेज थ्रो सेक्शुअल कॉन्टेक्ट बोल सकते हैं हम इट इज नॉट ऑलवेज थ्रो सेक्शुअल कॉन्टेक्ट ठीक है सो इन विच एज ऑफकोर्स ऑल द पर्सन आर हैविंग हाई थ्रेट ऑफ दीज एस टी डी ये सारे एस टी डी किसी को भी हो सकते हैं किसी को भी हो सकते हैं कौन से भी एज में हो सकते हैं लेकिन एक एज है डेंजर एज है danger age where std chances are more Where std chances are more number 15 to 24 years ठीक है ये एज में ज्यादा चांसेस हैं एसटीडी के इंफेक्शन के एनीबडी गॉट गेट्स एसटीडी ऐसा कुछ भी नहीं है 50 इयर्स के पर्सन को भी एसटीडी हो सकता है बट दिस एज इज वेरी डेंजर बोल के बताया है सो वॉट आर द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग या स्टीडी और जनरली जो फीमेल्स होते हैं फीमेल्स आर असिम्टोमैटिक फीमेल्स आर असिम्टोमैटिक रिमेन अनडिटेक्टेड अनडिटेक्टेड अगर कोई फीमेल को एसटीडी हो जाए तो ये कोई नॉर्मल डिजीज तो नहीं है जैसे मलेरिया हो गया मलेरिया हो गया बोल के सबको बोल सकते हैं ना क्लास टीचर कोई बोल सकते हैं मलेरिया हो गया नहीं आ सकते हम बोल के लेकिन एस का केस ऐसा नहीं है कोई ऐसा ओपनली नहीं बोल सकते ना एस हो गया है इसलिए नहीं आ सकते सब बोल नहीं सकते कोई भी ये क्या है ये डिजीज अलग टाइप की डिजीज है एस मतलब क्या है सब लोग छुपाते हैं आसिम्टोमेटिक अगर यह डिजीज किसी को हो जाए यूज स्पेशली फीमेल्स में बताया गया फीमेल्स रिमेन अनडिटेक्टेड अगर हो जाए फीमेल्स को तो ये बताते नहीं किसको भी और डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट भी नहीं लेते बिकॉज ऑफ दैट डिसीज के स्प्रेड चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं मेल्स का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है मेल जो है ट्रीटमेंट ले लेते हैं फीमेल्स रिमेन असिम्टोमेटिक रिमेन अनडिटेक्टेड वाई रीजन पूछ सकते हैं आप बिकॉज एस टी डी इज ए सोशल स्टिग्मा सोशल स्टिग्मा अगर किसी को मलेरिया हो गया बोलते हम जाके देखते हैं ना फ्रूट भी देते हैं उनको अब मिलने जाते हैं और दुआ भी दे के आते हैं जल्दी ठीक हो जाओ बोलिए लेकिन ये एस टी डी ऐसे है ना एस टी डी ऐसे डिसीजेस हैं ये एक सोशल स्टिग्मा है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी ये डिसीजेस को व्हाट इज मीन बा सोशल स्टिग्मा सोशल स्टिग्मा मीन सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग हम ज्यादा किसके बारे में सोचते हैं सोसाइटी के बारे में सोचते हैं है, लोग क्या सोचेंगे मेरी इज्जत का क्या होगा तो ये सोशल स्टिग्मा जो है डर है सबके लिए सोसाइटी के बारे में सोचेंगे तो हाउ टू अवॉइड दिस एस टी डीज इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कुछ प्रिवेंशन मेथड बताए गए हैं क्या मेथड है देखेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं तो प्रिवेंशन क्या है अवॉइड मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर अवॉइड मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर सेकेंड यूज ऑफ क्वाडम ड्यूरिंग क्वाइटस इफ डिटेक्टेड विद द डिशीज अगर डिसीज हो जाए तो कंप्लीट ट्रीटमेंट इज टेकन कंप्लीट ट्रीटमेंट इज टेकन टेकन फ्रॉम क्वालिफाइड डॉक्टर्स फ्रॉम क्वालिफाइड डॉक्टर डॉक्टर से क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके पूरा ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए सारे एस टी डी के ट्रीटमेंट है मैं बता ना देर आर ओनली थ्री एस टीडींग ट्रीटमेंट नो क्योर इनकेस ऑफ एड्स नो क्योर हेपाइटिस बी नो क्योर जेनेटल हरपीस इसमें यह तीन डिसीज में क्योर तो नहीं है कंप्लीट ट्रीटमेंट तो नहीं है Hmm. और एड्स डे भी पढ़ लीजिए फर्स्ट दिसंबर है ना आज फर्स्ट दिसंबर ही है ना एड्स डे अवेयरनेस क्रिएट करना है सब लोगों में एड्स कैसा होता है स्प्रेड कैसा होता है ये मालूम होना चाहिए दैट इज एड्स डे ठीक है तो ये था एस के बारे में ठीक है चलो नेक्स्ट है और एक टॉपिक स्मॉल टॉपिक है दट इज इनफर्टिलिटी वॉट इज मीन बाई इनफर्टिलिटी डिफाइन इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी मीन्स इफ एनी कपल इज अनेबल टू हैव चिल्ड्रन अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर टू ईयर्स ऑफ मैरिज मैरिज होने के बाद टू ईयर्स हो गए एंड दे आर हैविंग सेक्शुअल कोहेबिटेशन देर नॉट टेकिंग एनी बर्थ कंट्रोल मैथर सेक्शुअल इंटरकोर्स फिर भी उनको चिल्ड्रेन नहीं हो रहे सो दैट मीन्स इट इज डिक्लेयर्ड के इनफर्टिलिटी है अब इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है फीमेल में भी हो सकती है ज्यादातर रीजन्स मेल में बताया गया है most of the complications are associated with male reasons for infertility what is infertility <laughs> if any couple any couple unable to produce their own children unable to produce their own children even after 2 years of sexual cohabitation, sexual cohabitation, <coughs> practicing unprotected sex, unprotected sex. Practicing unprotected sex का मतलब होता है, not having any contraception. मतलब ये कोई contraception pills वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हैं, और फिर भी जो है children नहीं हो रहे हैं इनको

मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लीकेशंस आर असोसिएटेड विथ मेल कॉम्प्लीकेशन असोसिएटेड विथ मेल्स मेल में ज्यादातर केसेस होते हैं इनफर्टाइल के मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लीकेशन असोसिएट विथ मेल बट जनरली फीमेल्स आर ब्लेम्ड ज्यादातर फीमेल को ब्लेम किया जाता है तो इनफर्टाइल कपल्स के लिए कुछ कर सकते हैं क्या इज दर एनी मेडिकल मेथर्ड सो दैट इनफर्टाइल कपल्स कैन हैव देर ओन किड बायोलॉजिकल उनका खुद का किड हो सकता है क्या पॉसिबल है क्या दैट इज इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन होता है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में चलिए देखेंगे तो मेल में अगर हम रीजंस अगर लिस्ट आउट करें रीजंस फॉर मेल इनफर्टिलिटी अगर हम रीजंस लिखेंगे बहुत लॉन्ग लिस्ट है मेल के लिए फीमेल के लिए बहुत शॉर्ट है तो मेल में नंबर वन क्या हो सकता है देखिए अजूस परमिया के। अजूस परमिया मतलब नो स्पर्म नो या एब्सेंस ऑफ स्पर्म लिख दीजिए स्पर्म नहीं बन पा रहे एब्सेंस ऑफ स्पर्म अजूस परमिया है सेकेंड वन ऑलिगोस परमिया है परमिया मतलब क्या है यहां लोस परम काउंट है लो स्पर्म काउंट और क्या हो सकता है एक है, का मतलब होता है परम मोटिलिटी मतलब स्पर्म तो है लेकिन मोटाइल नहीं है ज्यादा विगरसली मोएबल नहीं है एस्थिनोस परमिया बोलेंगे उसको या नहीं तो और एक रीजन भी हो सकता है मेल में इंपोर्टेंसी बोलते हैं इंपोर्टेंसी मतलब इनएबिलिटी ऑफ द मेल टू इंसिमिनेट इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब इनएबिलिटी टू मेंटेन एरेक्शन मेंटेन एरेक्शन ऑफ पेनिस एरेक्शन ऑफ पेनिस

और एक रीजन है जो मैं बता चुका हूं आपको क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्या होता है क्रिप्ट मतलब टेस्टिस टेस्टिस जो टेस्टिस अब डोमेन में रह गए मेल में स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाए बर्थ के टाइम में स्क्रोटम में आना चाहिए टेस्टिस रिमेन अबडोमिनल दंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑर्केडिज सो अन इन अबडोम अनडिसेड टेस्टिस जो टेस्टिस में टेस्टिस uh, जो है स्क्रोटम में आना चाहिए था नहीं पहुंच पाए और अपडोमिन में रह गए दे आर कॉल्ड क्रिप्ट ऑर्केडिज्म तो ये सारे रीजन थे मेल इनफर्टिलिटी के इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपको अजूस परमिया ऑलिगोस परमियानो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए आप फीमेल इनफर्टिलिटी की लिस्ट बना लेंगे ऐसे ही फीमेल इनफर्टिलिटी जो टॉपिक है ना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इनफर्टिलिटी रीजन फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी नंबर वन इन समबसेंस और इरेगुलर इेगुलर मैंस्ट्रल साइकिल इरेगुलर मैंस्ट्रल साइकिल हो रहा है या नहीं तो लैक ऑफ ओवा फॉर्मेशन ओवा नहीं बन पा रहा है या ब्लॉकेज है ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुके हैं मतलब ये ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब मीन्स द फीमेल रिपोर्डक्टिव सिस्टम बोथ द साइड फेलोपियन ट्यूब फ्रॉम बोथ द साइड द गेट ब्लॉकड ही आर ऑल्सो ब्लॉकेज इज देयर एंड ही साइड फेलोपियन ट्यूब इफ दे गेट ब्लॉक ब्लॉकेज दोनों तरफ है दैट इज ऑल्सो इनफर्टिलिटी कॉज ब्लॉकेज ऑफ एलोपियन ट्यूब फ्रॉम बोथ द साइड और फोर्थ वन क्या है और क्या हो सकता है अनसूटेबल कंडीशन अनसूटेबल कंडीशन फॉर इंप्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन अनसूटेबल कंडीशन अनसूटेबल कंडीशंस फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन देखिए फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड है सो मेनी थिंग्स एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पे डिपेंड है सो अनसुटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन भी नहीं हो रहा फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा दीज आर द रीजन फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी एनी हाउ द रीजन फॉर इन्फर्टिलिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू फिजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल क्या भी रीजन हो सकते हैं इन्फर्टिलिटी के ओके okay? क्या रीजन होते हो सकते हैं देखिए इन्फर्टिलिटी के लिए रीजन इन्फर्टिलिटी में बी मे बी बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकता है फीमेल में भी हो सकता है एंड इट इज मे बी बिकॉज ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम फिजिकल या फिजियोलॉजिकल इनसाइड द बॉडी कोई चेंजेस या साइकोलॉजिकल जस्ट मेंटली यस इवन साइकोलॉजिकली एमोशनली भी जो है इनफर्टिलिटी का कॉज बन सकता है ड्रग्स कुछ ड्रग्स वगैरह खा रहे होंगे उस वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है या नहीं तो और क्या हो सकता है इनफर्टिलिटी में बी बिकॉज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल मतलब एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंट दस पर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट स्पर्म हो सकता है फीमेल बॉडी में एंटीबॉडीज होंगे अगेंस्ट स्पर्म दे आर गोइंग एंड किलिंग स्पर्म ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ दैट आल्सो इनफर्टिलिटी में आकर तो ये सारे रीजंस बताए गए हैं फिजिकल <coughs> मतलब इन आवर बॉडी इनसाइड द बॉडी हो रहा है उसमें अगर कोई कॉम्प्लीकेशन आ गया तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मतलब आपकी थिंकिंग है इमोशंस हैं उससे भी असोसिएट हो सकता है ड्रग्स भी हो सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकते हैं रीजन इनफर्टिलिटी के चलो नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं इनफर्टाइल कपल्स के लिए इनफर्टाइल कपल्स कैन हैव चिल्ड्रन इन टूडे साइंस वी से इनफर्टाइल कपल्स कैन हैव चिल्ड्रन थ्रू ए आर टी मेथड वॉट इज एआरटी टी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी Assisted reproductive technologies. Infertile couples can have their own children by means of ART. Assisted reproductive technologies. Now let's discuss what are the different methods of assisted reproductive technologies one by one. Okay. Number one here given IVF. IVF -ET बोल के दिया है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर इनविट्रो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन इज कंडक्टेड आउटसाइड द बॉडी इन ए टेस्ट दैट इज इनविट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड दिस टेक्निकाइम परफॉर्म बाई विच डॉक्टर्स ए ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स रॉबर्ट एडवर्ड, रॉबर्ट एडवर्ड एंड पैट्रिक स्ट्रिप्टो दे परफॉर्म आईवीएफी डिस्कवर्ड इन्वेंटेड दिस टेक्निक बोल सकते हैं हम रॉबर्ट एडवर्ड एंड पैट्रिक स्ट्रिप्टो इन्वेंटेड आई वी एफ टेक्निक इन्वेंटेड आई वी एफ फर्टिलाइजेशन बाहर कराया जाएगा आउटसाइड द बॉडी जनरलीज वैनॉट कंस्यू जो वुमन जिनके बॉडी में फर्टिलाईजेशन नहीं हो पा रहा है, block, <coughs> है फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है दट टाइम दीज वे कैन गो फॉर आईवीएफी टेक्निक एंड बेबीज बॉर्न बाईफी दे आर कॉल टेस्टिव बेबीज क्या बोलेंगे बेबीज बोर्न बॉर्न बाई आई वी एफ आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलेंगे व्हाट इज मीन बाय टेस्ट ट्यूब बेबीज टेस्ट ट्यूब बेबीज का मतलब है एक्स वाइवो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय बाई इनवाइवो डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब बेबीज का मतलब है उनका फर्टिलाइजेशन बाहर होगा लेकिन डेवलपमेंट तो अंदर ही होगा मदर के अंदर ही यूट्रस के अंदर ही होगा baby, यहां पे लिखिए एक्स वाइवो फर्टिलाइजेशन एक्स वाई वो मतलब आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं एक्स वो बोलो या इनविट्रो बोलो चलेगा नो प्रॉब्लम सेम मीनिंग इन्वेट्रो भी बोल सकते हैं फॉलोड बाई इनवाईवो डेवलपमेंट हां डेवलपमेंट अंदर हो जाएगा एक्स वाइवो फर्टिलाइजेशन करा के डेवलपमेंट बाहर कराएंगे एंड बाय यूजिंग दिस आईवीएफ टेक्निक आईवीएफ में क्या करते हैं हस्बैंड के स्पर्म्स वाइफ के ओवम बाहर लेते हैं आउटसाइड द बॉडी इन ए टेस्ट ट्यूब एंड दे आर कैप्ट इन द सेम पीएच सेम टेम्परेचर एवरीथिंग विल बी टूब जो कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई करके फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी कराएंगे जिसको हम बोलते हैं इनविट्रो फर्टिलाइजेशन एंड द फर्स्ट टेस्टिव बेबी विच इज प्रोड्यूस बाई दिस टेक्नोलॉजी बाई दिस टेक्निक वॉज कॉल्ड लोइस जॉय ब्राउन फर्स्ट टेस्टिव बेबी फर्स्ट टेस्टिव बेबी लुइस जॉय ब्राउन है फर्स्ट टू बेबी एंड फॉर परफॉर्मिंग ई आईवीएफ व्हाट इज रिक्वायर्ड आईवीएफ करने के लिए क्या चाहिए टू परफॉर्म आईवीएफ। आईवीएफ कराने के लिए क्या चाहिए हजबेंड और डोनर स्पर्म हस्बैंड अगर हस्बैंड में स्पर्म नहीं है स्पर्म ऑफसेंट है है सो दैट टाइम दूसरों के स्पर्म भी यूज किया जा सकता है आईवीएफ में हस्बैंड और डोनर स्पर्म वाइफ और डोनर ओवा हो सकता है वाइफ में भी ओवा प्रोड्यूस हो रहा हो या ना हो दूसरों के ओवा भी ले सकते हैं आईवीएफ में और क्या चाहिए टू परफॉर्म आई वी एफ क्या चाहिए हजबाराइफ ओवा साइमुलेटेड कंडीशन चाहिए वॉट इज मीन बाय साइमुलेटेड कंडीशन सेम कंडीशन एज एज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एवरीथिंग शुड बी कॉपीड टेम्परेचर पीएच ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी everything should be copied simulated not stimulated एस्टिमुलेटेड बोलना कॉपी साइमुलेटेड का मतलब कॉपीड हर चीज सेम होना चाहिए द फर्स्ट फर्स्टिव बेबी ऑफ द वर्ल्ड लोइस जॉय ब्राउन है एंड फर्स्ट एस्टिव बेबी ऑफ इंडिया दुर्गा है फर्स्ट टेस्टिव बेबी इन इंडिया कॉल्ड दुर्गा एंड बोथ लोइ जॉय ब्राउन एंड दुर्गा बोथ आर सर्वाइव्ड एंड दे आर एट द एज ऑफ रिपोर्डक्टिव एज नाव एंड दे आर हैविंग किड्स देर किड्स अब उनके किड्स हैं नॉर्मल सो दिस इज ऑल अबाउट आई वी एफ आई वी एफ के बाद हम क्या करते हैं देखिए आईवीएफ आफ्टर आई वी एफ वी परफॉर्म टू टेक्निक्स आफ्टर आईवीएफ जस्ट नाम लिख के छोड़ देंगे कल कंटिन्यू कर लेंगे आफ्टर आईवीएफ हम क्या करते हैं या तो जिफ्ट करते हैं या तो आई यू टी करते हैं फर्दर वी विल सी टूमोरो ओके सो वट इज इनवेट्रो फर्टिलाइजेशन क्लियर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी मे बी

ठीक है आईवीएफ के बाद हम क्या करते हैं आफ्टर आईवीएफ यू हैव टू फॉलो आईदर जिफ्ट और आईयूटी अब ये क्या है जिफ्ट आईयूटी हम कल पढ़ेंगे थैंक यू